चलिए तो आज का कॉन्सेप्ट, आज का सुपर ट्रिक बहुत ही बेहतर रहेगा अलग अंदाज में। आज देख रहे हैं हमारी आवाज को अलग अंदाज में। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूं, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको बहुत मजा आएगा, इतना मजा आएगा कि अभी तक अब तो मजा नहीं आया। चलिए तो क्वेश्चन को मैं इस स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूं, देख सकते हैं स्क्रीन पर क्वेश्चन। चलिए तो पहला ये क्वेश्चन है कि 20 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करके किसी काम को 2/3 भाग 20 दिनों में समाप्त करते हैं। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट कहता है कितने व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके शेष काम को 25 दिनों में समाप्त कर देंगे। दो पार्ट है। तो सबसे पहले इसे प्रायश्चित प्रश्न में आप एक चीज ध्यान देंगे, MDSW। देखिए MDH ये क्या है, W फॉर वर्क, H फॉर आवर, D फॉर डे और M फॉर मैन। वर्क क्या हो गया काम, आवर क्या हो गया घंटा, डे क्या हो गया दिन और मैन क्या हो गया आदमी। बिल्कुल ये तमाम चीज समझ गए भाई। आप देखिए ये पहला पार्ट और दूसरा पार्ट में भी दिया हुआ है। अगर ये पहला पार्ट है, पहला पार्ट ये दो पार्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी ये एम डी एच ये फर्स्ट पार्ट हुआ और सेकंड पार्ट हम यहां लेंगे, ये फर्स्ट ये सेकंड पार्ट। पहला पार्ट है तो 1 लगा दीजिए और जो वर्क होता है जो काम होता आप उसे नीचे कर दें, W से वर्क हो गया और इस यहां पर इक्वल टू कर दें और सेकंड पार्ट टू कर दें यहां पर एम टू डी टू एस टू और बाय डब्ल्यू टू। बस हो गया, आंसर क्लियर आ गया। कहेंगे आप कहां आया, देखे आ गया। अब देखिए क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है 20 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे 20 व्यक्ति। आप देख रहे हैं यहां पर एम फॉर मैन हो गया, इसका मतलब है कि यहां पर हम 20 लिखेंगे इंटू 7 घंटे, यानी एच वन कितना 7 घंटे, प्रतिदिन कितना दिन काम करके भाई, तो आपको 20 दिनों में समाप्त करते हैं कितना भाग, तो ये जितना काम करते हैं 2/3 वार्ड, ये भाग काम करने का यहां पर लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा पार्ट में कहता है कि दूसरा पार्ट में ये मेन हो गया, ये डे हो गया, ये आवर घंटा हो गया, ये काम जो होगा, ठीक है ना। दूसरे पार्ट में कह रहा है कितने व्यक्ति, यानी व्यक्ति की संख्या पूछ रहा है, हमको इसे कुछ बिगाड़ना नहीं है। उसके बाद कितने दिन, दिन की संख्या आप देख सकते हैं, कह रहा है 25 दिन, 25 दिनों में। उसके बाद कितने घंटे, तो घंटे कह रहा है भाई 8 घंटे। उसके बाद काम तो आपका दिया हुआ क्वेश्चन में देख सकते हैं, काम तो दिया हुआ नहीं, कहता शेष काम को, जब 2/3 काम यहां पर कर दिया तो शेष काम कितना बचा भाई, यहां से निकाल सकते हैं 2/3 में 3 में 2 घटा दीजिए, 3 में 2 घटा देंगे कितना है भाई, 1/3 काम शेष बच गया। आप यहां पर 1/3 लिखिए, आपका आंसर आ गया। आपके कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। आ गया आंसर। तो चलिए भाई यहां से काटा जाए, अब देखिए यहां से काटा जाए कैसे काटा जाए, तो आप काट सकते हैं यहां से, देखिए यहां बीच में बराबर है तो आप काट सकते हैं ऊपर ऊपर, देख लीजिए। सबसे पहले तो यहां पर देखिए, यहां भी 3 नीचे में, यहां भी 3 3 3 कैंसिल काट दिए। काटने का तरीका देखिए, जल्दीबाजी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। उसके बाद देखिए यहां पर क्या है, काट सकते हैं 5 चौक 20, 5 5 25, 4 2 8 कट गया भाई। उसके बाद 2 10 20 हो गया, फिर 2 5 10 बिल्कुल कंप्लीट हो गया। आप कहीं कुछ बचा, अगर बचा है तो कार्य देखिए, यहां 5 है और यहां भी 5 कैंसिल, तो अब क्या बच गया, यहां पर M2 बराबर क्या बच गया भाई, 7, बाकी कुछ नहीं बचा। इसका मतलब है कितना व्यक्ति हो गया भाई, 7 व्यक्ति, आपका आंसर आ गया। देख लिए ना, आपके कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है, तो इसको आप लिख सकते, कहेंगे कि 7 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके शेष काम को, शेष मतलब 1/3 काम को 25 दिनों में समाप्त कर देंगे। ये हुआ MDH मसाला।
अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए, तुम शेयर कर दिए तमाम लोग ग्रुप में, बड़े बड़े ग्रुप में शेयर कर दीजिए, मजा आएगा। शनिवार का दिन है ना, आज तमाम लोग पूजा करके भी आएंगे, तो अलग अंदाज में देखिए, अलग अंदाज में देखिए हम बोल रहे हैं आज। चलिए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, यानी अगले क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो चलिए भाई अलग क्वेश्चन लेके हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं क्या है कि 15 पुरुष 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को 21 दिनों में समाप्त करते हैं। फिर वही एमडीएच का मामला काम करेंगे भाई। एमडीएच यानी पार्ट वन हो गया, फर्स्ट पार्टी है और सेकंड पार्टी इधर रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप देखते जाइए, क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। 15 पुरुष 8 घंटे यानी पुरुष कहाँ है भाई, फर्स्ट पार्टी हो गया, सब में वन लगा दीजिए, ये हो गया M2 D2 S2 हो गया, यही ना भाई। उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, 15 पुरुष 8 घंटे यानी एस टी का 8 घंटे कितने दिन काम करके 21 दिनों में समाप्त करते हैं किसी कार्य को। इसका मतलब है यहां पर डे के जगह पर क्या लिखेंगे, 21, 15 व्यक्ति 8 घंटे किसी काम को करके 21 दिनों समाप्त करते हैं। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, 21 स्त्रियां तो यहां नहीं, यहां तो मेन है, यहां पे आके मामला फंस जाता है, लेकिन फंसेगा नहीं, फंसने नहीं देंगे हम, देख रहे हैं। ये M2 मतलब हो गया कि व्यक्ति का, ये जो डिनोट्स कर रहा है M2, सेकेंड पार्ट में हमारा व्यक्ति होना चाहिए, लेकिन आपका क्वेश्चन में है स्त्रियां, तो स्त्री को तो भैया पुरुष बनाना ही पड़ेगा ना, जब तक स्त्री को पुरुष बनाएंगे नहीं तो यहां कैसे लिखेंगे। आगे देखिए, 21 स्त्रियां 6 घंटे प्रतिदिन काम करके, 6 घंटे तो आप यहां पर लिख सकते हैं, इसका 6 घंटा ठीक है लिख सकते हैं ना। उसके बाद दिनों की संख्या पूछ रहा है कि कितने दिनों में समाप्त कर लेगी, जबकि 3 स्त्रियां 2 पुरुषों के बराबर काम करती है। देखिए यहां पर आके हमारा क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया। तो यहां पर देख रहे हैं कि 3 स्त्री जो है, 3 स्त्रियां जो है, वुमेन लिखी है कोई बात नहीं, 3 वुमेन बराबर 2 मेन के बराबर काम कर, जो 3 स्त्री जितना काम करती है उतना 2 आदमी काम करता है, इसलिए दोनों काम बराबर कर दिए, ठीक है ना। कह रहा है 3 स्त्रियां 2 पुरुषों के बराबर काम करती है, 1 स्त्री कितना भाई, 1 स्त्री बराबर क्या होगा, ये 3 इधर आ जाएगा ना, 2/3 मेन मतलब क्या हो गया आदमी, यानी एक स्त्री का जो काम होगा 2/3 आदमी के बराबर। क्वेश्चन में देख सकते हैं 21 स्त्रियां देख रहे हैं ना, तो 1 स्त्री बराबर 2/3 आदमी, तो इसी में से अगर हम 21 से इधर भी गुना कर देंगे और 21 में इधर से भी गुना कर देंगे तो हो गया 21 स्त्री। ये आपका 21 स्त्री बराबर 3 × 21 सदुनी कितना हो गया भाई, 14 पुरुष यानी 14 आदमी हो गया। अब तो बैठा सकते हैं ना मेन के जगह पर, अब यहां बैठा देगा 14। और दिनों की संख्या पूछ रहा है, दिनों की संख्या आप D2 लीजिए कोई बात नहीं, आप आराम से निकल गया आंसर, निकल गया, आप काटिए इसको, आपके कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है। देखिए अब हमें जब ये 14 है, जब इसका जब चर्चा है तो यहीं से आप काट दीजिए, अगर कटता है तो काट दीजिए, यहां पर देख लीजिए, सदुनी 14, सतिया 21, 3 × 6, 2 × 4 = 8 देख रहे हैं ना, 2 × 4 क्या बच गया भाई, 30 days आंसर आ गया ना भाई। क्वेश्चन देख सकते हैं, आंसर आप भी कैलकुलेशन कीजिए कितना आंसर आएगा, मजा आ रहा है ना, बिल्कुल मजा आ जाएगा भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग, इसको मिटाया जाए। अतुलित बलधाम हिम स्वर्ण शैलावदेहम धनुर्वन कृशान ज्ञानम अग्रगण्यम सकल गुणिधानम वानाधीशम रघुपति प्रिभक्तम वाद्यादम नमामि। चलिए भाई आज मंगलवार, अरे शनिवार है, तमाम लोग को सबसे पहले एक बार पुनः धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप लोग देख रहे हैं, और मुझे आसानी पूर्ण विश्वास है कि बहुत जगह शेयर करेंगे इस वीडियो को। अगला क्वेश्चन ये है कि ए तथा बी के काम की दर में, काम की दर मतलब हुआ ए तथा बी को जो है काम करने की जो क्षमता है
जिसको हम लोग एफिशिएंसी बोलते हैं, वह 5:7 का अनुपात है। तो किसी काम को समाप्त करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? जब आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि जब ए और बी के कार्य करने की जो क्षमता है, जो एफिशिएंसी है, ध्यान रखें मैंने फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था, यदि आप नहीं देखे होंगे देख लेंगे जाके, कि जब किसी भी व्यक्ति का एफिशिएंसी दिया हुआ रहता है तो टाइम हम कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन देख रहे हैं, ए तथा बी के काम करने की दर का मतलब हुआ उसका एफिशिएंसी क्या, कितना दिया हुआ। तो 5:7 है, तो किसी काम को करने में उसके समय का अनुपात क्या होगा? कुछ नहीं है कि आपका एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी का रेशियो आपका है, एफिशिएंसी रेशियो का टाइम रेशियो निकालेंगे, टाइम रेशियो निकालेंगे बस विद इन 2 सेकेंड, इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, इसका मतलब 7:5 यही आंसर हो गया आपका। एफिशिएंसी का जस्ट अपोजिट ले आइए इधर खींच के, ये आ जाएगा इधर, ये इधर आ जाएगा, बस हो गया टाइम का रेशियो, क्लियर हो गया, मजा आ गया ना? बिल्कुल मजा आ गया भाई। चलिए अगला क्वेश्चन मैं दिखाता हूं आपको। अगला क्वेश्चन आप भी पढ़ेंगे, आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को, कि ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 दिनों में, 15 दिनों में और 12 दिनों में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर जब काम करते हैं तो काम की मजदूरी मिलता है। ए बी और सी जब कहीं काम करते हैं तो इसको मजदूरी मिलता है, तीनों मिलाकर मजदूरी कितना मिलता है भाई, तीनों मिलकर मजदूरी इसके मिलता है, इनकम कितना मिलता है, 1200 रुपया। क्वेश्चन आप देख सकते हैं 1200 रुपया मिलता है मजदूरी। तो अब क्वेश्चन में कहता है कि बी का भाग सी से कितना रुपया, मतलब कितना कम है, मतलब बी को जो है मिला है वह सी से कितना रुपया कम मिला है, बस यही पूछता है। आप भी कैलकुलेशन करके आंसर निकाल सकते हैं और मैं भी जो बताऊंगा तो आप भी मिलाएंगे अपने आंसर से सही है या गलत। इसका मतलब है कि ए बी सी 10, 15, 12, इसका मतलब 10, 15 और 12, ये है ए 10 दिनों में और ये है बी 15 दिनों में और सी है आपका 12 दिनों में। ये मजदूरी मिलता है कैसे, आपके पास काम करने का कैपेसिटी क्या है, क्षमता के अनुसार मिलता है। इसका क्षमता निकालेंगे, इसका कैपेसिटी निकालेंगे, इसका एफिशिएंसी निकालेंगे, तीनों का क्या क्या है क्षमता, ए में कितना पावर है काम करने का, बी में क्या पावर है काम करने का और सी में कितना है। तो आराम से कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, एकदम अच्छा सुपर ट्रिक बताते हैं। तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए भाई, तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए, तो 10 और 15 का कितना होता है 30, और 30, 12 का एलसीएम कितना होगा, 30, 12 का एलसीएम 6 × 12 = 60 हो जाएगा। चलिए भाई देखिए एफिशिएंसी कैसे निकलता है, अब इसमें से इसको भागा दीजिए 10×60, ए का एफिशिएंसी कितना निकल गया 6, आप देखते जाइए 15 × 60, बी का एफिशिएंसी कितना निकल गया 4, 12×5=60 हो गया ना भाई। अब कहता देखिए बी का एफिशिएंसी कितना है 4 और सी का एफिशिएंसी कितना है 5, इसका मतलब बी कम है सी से, कहता है कितना कम है तो ये दोनों को घटा दीजिए, अंतर कर दीजिए, तो 5 में 4 गया, कितना बचा भाई 1, 1 कम है ना भाई, बी जो है सी से कितना कम है 1 कम है। उसके बाद ये टोटल मजदूरी, सबका मजदूरी मिला है कितना 1200, तो सबको जोड़िए 6, 4, 10, 5, 15 मजदूरी कुल कितना मिलता है 1200 गुना कर दीजिए, हो गया आंसर 15×20 और 1×80=80 रुपया कम मिलता है, यानी बी का जो भाग है सी से कितना कम है 80 रुपया कम है। यही बनाने का ट्रिक हुआ, यही हुआ कॉन्सेप्ट। अच्छा लगा तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ आप तमाम लोग को आज के शुभ दिन शनिवार को जय श्री राम, बहुत धन्यवाद। आप लोग देखें और मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग शेयर करेंगे और अपने मंतव्य कुछ अपने मेरे चैनल पर कमेंट्स करके भेजें, कैसा लगा, अच्छा लगा तो बिल्कुल अपने दोस्तों भी जरूर शेयर करें। जय हिंद।